आज का हमारा विषय है राजस्थान में योजना काल के 65 वर्ष 1951 से 2016 की उपलब्धियां, अचीवमेंट ड्यूरिंग प्लान पीरियड इन राजस्थान। राजस्थान में योजना काल की आर्थिक प्रगति हुई, फिर भी ये राज्य भारत में निर्धन व पिछड़े हुए राज्यों में गिना जाता है। यहाँ 1951 से 2016 तक की आर्थिक प्रगति का विश्लेषण किया जा रहा है, ताकि ये पता चले कि राजस्थान में 65 वर्षों में राज्य में आय, कृषिगत उत्पादन, सिंचाई शक्ति, औद्योगिक विकास, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, जल सप्लाई आदि क्षेत्रों में कितनी प्रगति की गई है। राज्य की आय में वृद्धि, राज्य की घरेलू उत्पत्ति में मानसून की अस्थिरता के कारण प्रतिवर्ष व्यापक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसलिए इसका विश्लेषण काफ़ी जटिल व अनिश्चित हो गया है। फिर भी पूर्व में प्रचलित आधार वर्ष 2004-05 की स्थिर कीमतों पर 1960 से 2014 तक की शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पूरे सीरीज का अध्ययन करने से पता चलता है कि इस अवधि में राज्य की आय में 5.89% व प्रति व्यक्ति आय में 3.30% की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आधार पर 2011-12 के मूल्यों पर 12-13 में वृद्धि दर 4.24, 13-14 में 6.07 व 14-15 में 6.11 व 15-16 में 6.23 आंकी गई है। राजस्थान विकास दर की दृष्टि से घटिया विकास दर वाला राज्य नहीं माना जा सकता, लेकिन आंकड़ों का अर्थ लगाते समय हमें ये अवश्य ध्यान में रखना होगा कि राज्य में एक वर्ष की अत्यधिक ऊंची वृद्धि दर 5 वर्षों की कुल अवधि की औसत वृद्धि दर को काफी ऊपर की ओर ले जा सकती है। नंबर 2, कृषिगत उत्पादन एवं सिंचाई। राज्य में खाद्यान्नों का उत्पादन 1950-51 में 33.8 लाख टन हुआ था, जो 2013-14 में 207.2 लाख टन आंका गया है। इसके बाद खाद्यान्नों का वार्षिक उत्पादन कम हुआ है, 2014-15 में 196.2 लाख टन, 15-16 में 182.25 लाख टन दर्शाया गया। राज्य में सकल सिंचित क्षेत्र 1950-51 में 10 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2013-14 में 98.65 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया था। फिर भी राज्य का लगभग 70% कृषि क्षेत्र मानसून की दया पर आश्रित है। इसी प्रकार नंबर 3, शक्ति के क्षेत्र में राज्य में 1950 में विद्युत शक्ति की प्रस्तावित क्षमता 13 मेगावाट थी, जो 2014 के अंत तक 40,289 तथा शक्ति चालक कुआ पंप सेट की संख्या 30 से बढ़कर 11.92 लाख हो गई। भविष्य में शक्ति की स्थापित क्षमता के बढ़ने की और संभावनाएं हैं। मार्च के अंत तक ये 15,907.81 मेगावाट हो गई थी। औद्योगिक विकास 1951 में जहां 2.8 लाख टन से बढ़कर 1914 में 264.4 लाख टन हो गया, जो उत्पादन था सीमेंट का, उसी प्रकार सूती वस्त्र और सूत का उत्पादन 2014 में 286.6 लाख रही। राज्य में का नमक का उत्पादन भी पहले से बड़ा है। सड़कों का विकास 2050-51 के अंत में सड़कों की लंबाई 17,339 किलोमीटर थी, जो 14-15 में बढ़कर के 2,08,342 किलोमीटर हो गई। 2015 के अंत तक लगभग 88% गांव सड़कों से जोड़े गए तथा 12% सड़कों अभी भी गांव में नहीं जोड़ी जा सकी है। शिक्षा की प्रगति, राज्य में 3,000 व ऊपर की जनसंख्या वाले सभी गांवों में प्राथमिक स्कूल खोल दिए गए हैं। सभी पंचायत समितियों में एक या अधिक माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक स्कूल खोले गए हैं। राज्य के सभी जिलों में कॉलेज स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई है। इसी प्रकार राज्य में साक्षरता का जो अनुपात है 2001 में 60.4% से बढ़कर 2011 में 66.1% हो गया। राज्य में 33 निजी
विश्वविद्यालय हैं। भारत सरकार ने किशनगढ़ अजमेर में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला है और 2005-06 में कोटा में एक तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। राज्य में कुल 1641 कॉलेज सामान्य शिक्षा के हैं, जिनमें 182 सरकारी कॉलेज, 15 सरकारी लॉ कॉलेज, 1432 निजी कॉलेज, 7 स्वायत्त वित्त पोषित संस्थाएँ व 3 निजी साझेदारी के कॉलेज हैं। 814 बीएड कॉलेज विभाग द्वारा संचालित हैं। 26 राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, 40 निजी विश्वविद्यालय व 7 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं। राज्य में कुल 131 इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहे हैं। 122 इंजीनियरिंग कॉलेज निजी क्षेत्र में चालू किए गए हैं। इनकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है। नेक्स्ट है चिकित्सा व जल पूर्ति के क्षेत्र में प्रगति। राज्य में मलेरिया व चेचक आदि पर काफ़ी मात्रा में नियंत्रण स्थापित कर लिया गया है। अस्पताल में रोगियों के लिए बिस्तरों की संख्या बढ़ाई गई है और चिकित्सा सुविधा भी बढ़ी है। सभी पंचायत समितियों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित कर दिए गए हैं। दिसंबर 2015 के अंत में अस्पतालों, डिस्पेंसरियों, प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों व अन्य केंद्रों सहित 17,537 हो गई थी। इसमें और स्वास्थ्य क्षेत्रों की संख्या 14,408 थी। शहरों के मुख्य अस्पतालों की भीड़भाड़ को कम करने की दृष्टि से 5 सैटेलाइट अस्पताल भी चालू किए गए हैं। सारांश के रूप में हम ये कह सकते हैं कि सारांश के रूप में हम ये कह सकते हैं योजना काल में 65 वर्षों की आर्थिक प्रगति से राज्य में विकास का आधार ढांचा सुदृढ़ हुआ है। सिंचाई की सुविधाएं बढ़ी हैं, विद्युत की प्रस्तावित क्षमता बढ़ी है और राज्य औद्योगिक विकास के नए कार्यक्रम अपनाने की स्थिति में आ गया है। रीको ने संयुक्त क्षेत्र व सहायता प्राप्त क्षेत्र में कई इकाइयाँ स्थापित की हैं, जिसमें कई इकाइयों में उत्पादन कार्य चालू हुआ है। आरएफसी व लघु व मध्यम उद्योगों को काफ़ी मात्रा में दीर्घकालीन कर्ज देने में संलग्न रहा है। लेकिन राज्य में जनसंख्या की वृद्धि दर 1991 2000 में लगभग 28.41% तथा 2001 से 2011 में 20.3% रही है, जो अभी भी ऊंची बनी हुई है और जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में राज्य के लिए भावी चुनौती का सूचक है। राज्य में निरंतरकाल व अभाव की स्थिति बनी रहती है। विद्युत की सृजन क्षमता के बढ़ने पर भी कृषिगत व औद्योगिक कार्यों के लिए प्राय विद्युत की कमी बनी रहती है। इससे कृषि व उद्योग दोनों के विकास में बाधा पहुंचती है। पर्यटन का विकास भी अपर्याप्त मात्रा में हुआ है, जिस पर भविष्य में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे विदेशी मुद्रा अर्जित करने में मदद मिलेगी। आर्थिक नियोजन की असफलताएं। सबसे पहले प्रति व्यक्ति योजना व्यय बहुत कम है। राज्य में प्रति व्यक्ति योजना व्यय प्रथम योजना में 34 रुपये था, जो 12वीं योजना में बढ़कर 28,758 रुपये हो गया। लेकिन फिर भी राज्य में तेजी से जनसंख्या वृद्धि एवं विकास योजनाओं के वित्त का अभाव रहा है। बेरोजगारी ये राज्य के सबसे बड़ी चुनौती है। वित्तीय साधनों का अभाव 31 मार्च 2016 तक सरकार पर लगभग 2.11 लाख करोड़ रुपए का ऋण हो गया है। वित्तीय संसाधनों का अभाव है। अकालों से मुक्ति नहीं, 65 वर्ष तक अकाल व सूखे से संघर्ष करने के बाद भी लगभग हर 3-4 वर्षों में भयंकर अकाल पड़ता है, जो हमारे विकास को बाधित कर रहा है। फिर है खनिज संपदा का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है। राजस्थान में खनिज संपदा बहुत है, लेकिन उसका विदोहन सही नहीं हो पा रहा है। प्राथमिकताओं का गलत निर्धारण। राज्य में योजना काल में सिंचाई व विद्युत विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, जबकि औद्योगिक विकास और विशेष ध्यान नहीं दिया गया, जबकि हमारे यहाँ खनिज आधारित उद्योगों में विकास की बहुत संभावना है। राजनीतिक स्वार्थों में प्रशासनिक स्थिरता। राजनीतिक स्वार्थों के कारण
योजनाओं में आर्थिक पक्ष को भुला दिया जाता है, जो कमी है। सामाजिक सुविधाओं का अभाव, राज्य में आज भी गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, चिकित्सा व पेयजल सुविधाओं का अभाव है। सिंचाई के साधनों का अभाव, यद्यपि योजना काल में सकल सिंचित क्षेत्र लगभग 6 गुना हो गया है, तथापि 13-14 में कुल जोते बोए गए क्षेत्र का लगभग 38% ही सिंचाई के अंतर्गत आ पाया है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, 2001-2011 के बीच राजस्थान की जनसंख्या में लगभग 21.3% की वृद्धि हुई, जो भारत में औसत 17.7% से लगभग 3.6% अधिक है। तो जनसंख्या की तीव्र वृद्धि है जो विकास के आंकड़ों को चट कर जाती है। विद्युत शक्ति का अभाव, 2015 के अंत में लगभग 15,907.81 मेगावाट विद्युत की प्रस्तापित क्षमता हो गई है, लेकिन बढ़ती मांग को आज भी पूरा नहीं किया जा पा रहा है, और कृषि और उद्योगों के लिए 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है। यातायात के साधनों का अभाव, राज्य में पिछले वर्षों में सड़कों की प्रगति हुई है, लेकिन अभी भी इस दिशा में काफ़ी कमी बनी हुई है। रेलों की व्यवस्था के संदर्भ में एक कठिनाई ये भी है कि चौड़ी पटरी से सकड़ी पट्टी में परिवर्तन का अंतरण करते समय स्टेशनों पर कई कठिनाइयां आती हैं। अलोह खनिजों व ईंधन का अभाव, राजस्थान में अलोह खनिज जैसे तांबा, जस्ता, चांदी व रांगा एवं अन्य कई खनिज जो पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन कच्चे लोहे, कोयला, लिग्नाइट के अभाव अथवा एवं खनिज तेलों का अभाव पाया जाता है। इसी वजह से ये लोह व इस्पात एवं अन्य पूंजीगत उद्योगों का विकास कर सकने में असमर्थ रहा है। धीमी आर्थिक प्रगति के अन्य कारण, उपयुक्त तत्वों के अलावा राज्य के आर्थिक विकास में अन्य तत्व बाधक रहे हैं, जैसे गांवों का सामाजिक पिछड़ापन, शिक्षा का अभाव, कुशल व ईमानदार प्रशासन का अभाव एवं पर्याप्त जन सहयोग की कमी आदि आदि कारण रहे हैं जो आर्थिक विकास को उस गति को प्राप्त नहीं कर पाए हैं जो कि होनी चाहिए थी। धन्यवाद।